नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे, जहाँ उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्या और बांग्लादेश में दुर्गा पंडाल में किए गए हमले और छत्तीसगढ़ में मूर्ति विसर्जन करने जा रहे हिंदुओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने के विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा नीति सुनिश्चित किए जाने के लिए सदर SDM को ज्ञापन भी सौंपा। बजरंग दल के नेता अर्जुन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, आज हम इसलिए आए हैं, अभी विगत बांग्लादेश के अंदर जो दुर्गा माता के पंडाल और जो वहाँ के मंदिरों को एक विधर्मियों के द्वारा बहुत क्षति पहुँचाई गई और हिंदुओं के घर जला दिए गए, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग जो अभी पूरा चल रहा है, लगभग एक दर्जन हिंदुओं को उनकी ID देखकर उनकी हत्या कर दी गई उनके विरोध में, और छत्तीसगढ़ के अंदर अभी श्रद्धालु जो विसर्जन करने जा रहे थे मूर्ति का, उसके ऊपर भी धर्मियों के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, और माने हिंदुओं को टारगेट करके पूरे देश दुनिया के अंदर प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आह्वान पर आज अपना माननीय जिलाधिकारी जी को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन हम देने आए। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।